सो गाइस, यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हो आरजी गेमिंग नाम का ये चैनल है, जहाँ पर 350 सब्सक्राइबर थे पहले, और अगर अभी आप देखोगे तो इस चैनल पर जो 15,700 से ज़्यादा सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। और यहाँ पर मैं इनको अगर आपका एनालिटिक बताऊँ तो लास्ट 20 डेज़ का आप इनका एनालिटिक देख सकते हो कि लास्ट 20 डेज़ में इनको जो है 5,600 मिनट से ज़्यादा का वॉच टाइम मिला है, 2.1 मिलियन व्यूज़ मिले हैं और 15,400 सब्सक्राइबर मिले हैं सिर्फ लास्ट 20 डेज़ में। तो अगर आप भी अपने चैनल पर व्यूज़, सब्सक्राइबर और वॉच टाइम को बढ़ाना चाहते हो तो वीडियो बड़ा ज़रूर, पर आप लोग वीडियो को पूरा जरूर से देखना अगर आप अपने चैनल पे सब्सक्राइबर और व्यूज को बढ़ाना चाहते हो। तो आ गया एक और नई वीडियो के साथ वापिस। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो के स्टार्टिंग में प्रूफ देख ही लिया कि पहले चैनल पे जो 350 सब्सक्राइबर थे, उसके बाद इनके चैनल पे जो सिर्फ लास्ट 20 डेज़ में 15,700 से ज़्यादा सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, 2.1 मिलियन इनके चैनल पे व्यूज़ आ गए सिर्फ लास्ट 20 डेज़ में। अब ये जो आरजे गेमिंग भाई है, ये मेरे बहुत पुराने सब्सक्राइबर है, ये मेरे हर वीडियोज़ भी देखते हैं, प्लस उन पर कमेंट भी करते हैं, और ये मेरे साथ जो इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट है। तो इन्होंने मुझे एक बार इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था, तो मैंने उन्हें जो है शॉर्ट के बारे में उन्हें इंस्टाग्राम पे समझाया था, जो कि आज मैं आपको इस वीडियो में और भी एडवांस और डिटेल तरीके में समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको पहले बताता हूँ कि आज के वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आपको शॉर्ट वीडियो किस तरह से एडिट करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग एडिट करते वक्त ही गलती कर देते, जिसकी वजह से उनके शॉर्ट वीडियो पर व्यूज़ ही नहीं आ पाते। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कैसे आपको शॉर्ट वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करना है, और थर्ड पॉइंट में हम लोग बात करेंगे कि कैसे आपको शॉर्ट वीडियो का टाइटल, डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखना है, जिससे आपका वीडियो शॉर्ट फीचर में जाए, उस पर ज़्यादा व्यूज़ आए। तो अगर आपके पास टाइम नहीं हो तो आप लोग वीडियो को छोड़ के जा सकते हो, पर जो भी वीडियो को पूरा देखेगा उसका भी सेम रिजल्ट आएगा, उसके भी चैनल पर लास्ट 20 डेज़ के अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर और व्यूज़ आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो वीडियो पूरा ज़रूर से देखना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर से प्रेस कर लेना, और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते हो इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो जरूर कर लेना, मैं वहाँ पर सभी को रिप्लाई देते रहता हूँ। तो चलेगा, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि किस तरह से आपको YouTube शॉर्ट वीडियो को एडिट करना है। तो मैं एडिटिंग के लिए काइनमास्टर ऐप यूज़ करता हूँ, तो मैंने काइनमास्टर ओपन कर लिया है। आपको प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको बहुत सारे एक्सेप्ट रेशियो मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो 9:16 वाला रेशियो है, आपको इसी में अपना शॉर्ट वीडियो बनाना है। अब बहुत सारे लोग मुझे बोलेंगे कि हम लोग जो है 16:9 में वीडियो बनाते हैं और यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, तो क्या हमें यूट्यूब शॉर्ट के लिए अलग सा वीडियो बनाना पड़ेगा? तो आपको अलग वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आप 16:9 में वीडियो बनाते हो उसी को आप जो है 9:16 में कन्वर्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको 9:16 वाले रेशियो को क्लिक करना है, और यहाँ पर सबसे पहले आपको बैकग्राउंड एक ले लेना है। तो यहाँ पर आपको बैकग्राउंड का ऑप्शन मिल जाता है काइनमास्टर में, आप लोग काइनमास्टर के बैकग्राउंड पे क्लिक करना, और यहाँ से आप कोई भी बैकग्राउंड ले सकते हो। मैं ब्लैक कलर का यहाँ पे बैकग्राउंड ले रहा हूँ, और इसकी लेंथ आपको जितनी भी रखनी है आप रख सकते हो, बाद में हम इसे जो ट्रिम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड ले लिया है। उसके बाद आपको जाना है लेयर पर, लेयर पर जाने के बाद जिस भी आपको वीडियो का शॉट बनाना है आपको लेयर पर जाकर मीडिया पर जाना है, और उस वीडियो को ले लेना है जिसका भी आपको शॉट बनाना है। तो अभी मेरे पास एक स्टेटस वीडियो है जो कि 16:9 में है, तो मैंने इस वीडियो को ले लिया है। इस वीडियो को लेने के बाद आपको इसको रोटेट करना है और इसको कर लेना है फुल स्क्रीन। अभी मैं इसको जो फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। अब मैंने इस वीडियो को फुल स्क्रीन कर लिया है, उसके बाद जो हमारी वीडियो की लेयर होगी, अब यहाँ पर मैं आपको वीडियो के लेयर पे क्लिक करना है। वीडियो के लेयर पे क्लिक करने के बाद इसका वॉल्यूम को म्यूट कर देना है। तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम पर जाना है और इसको म्यूट कर देना है, तो इससे क्या होगा, ये हमारा ऑडियो जो होगा इसकी आवाज़ नहीं आएगी। उसके बाद आपका जो भी वीडियो का लेयर है, आपको वीडियो के लेयर पर क्लिक करना है, और जो भी हमारा बैकग्राउंड हमने ऐड किया था वो एक्स्ट्रा बैकग्राउंड को ट्रिम कर देना है। तो यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड और वीडियो की लेयर सेम मैच हो चुकी है। उसके बाद आपको वापस से आपका वीडियो के स्टार्टिंग में आना है, वापस से आपको जाना है लेयर में। लेयर में आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है इफेक्ट का, आपको जाना है इफेक्ट में। इफेक्ट में जैसे आप यहाँ पर जाओगे तो आपको ऑप्शन मिलता है बेसिक इफेक्ट का, तो आपको बेसिक इफेक्ट पे क्लिक करना है। बेसिक इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद जो फर्स्ट ब्लर वाला ऑप्शन है, आपको इस ब्लर वाले ऑप्शन को ले लेना है। उसके बाद जो हमारी ब्लर वाली लेयर होगी आपको इस पर क्लिक करना है, और उसकी सेटिंग को जो 6 या 7 पे रखना है। तो फिलहाल मैं इसे 6 पे रख रहा हूँ। और उसके बाद जो आपकी ब्लर वाली लेयर है आपको इसे सिलेक्ट करके अपनी वीडियो की लेंथ कितना कर देना है। उसके बाद जो आपका ब्लर होगा वो आपको फुल स्क्रीन मोड में कर देना है, यानी कि उसको फुल कर लेना है। फुल करने के बाद वापस से आपका जो मीडिया है आपको मीडिया में जाना है। मीडिया में आने के बाद वापस से जो आप स्टेटस अपलोड करने जा रहे थे यूट्यूब शॉर्ट में, उस वाली वीडियो को लेना है। अब अगर आप देखोगे तो मेरा एक वीडियो बैकग्राउंड में जा चुका है, उसके ऊपर ब्लर की लेयर आई है, उसके बाद हमारा वापस से स्टेटस आ गया है। अब यहाँ पर हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, अब हमने यहाँ पे जो हमारा स्टेटस ऐड कर दिया है जो भी हमें यूट्यूब शॉर्ट में अपलोड करना था, उसके बाद हमें और इसे अट्रैक्टिव बनाना है। तो उसके लिए यहाँ पर मेरे पास एक PNG है, जो अगर मुझे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करोगे तो मैं वहाँ पर आपको दे दूँगा। तो यहाँ पर अभी मेरे पास जाता हूँ मैं यूट्यूब वाले सेक्शन में, यहाँ पर मेरे पास एक PNG है। इस PNG को मैं लेता हूँ, उसकी साइज़ को बड़ा करके रोटेट करके नीचे और ऊपर साइड लगा देता हूँ, ताकि मेरा जो शॉर्ट वीडियो है और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखे। अब मैं इसकी साइज़ को बड़ा करता हूँ, देख सकते हो यहाँ पर मैंने साइज़ को बड़ा, और जो ब्लैक कलर की लेयर है वो मेरी नीचे साइड आ रही है। अब जो हमने ये ब्लैक कलर की लेयर को ऐड किए, आपको लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ऊपर 3 डॉट पे जाना है जो कि लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है, आपको 3 डॉट पे जाके इसे डुप्लीकेट कर लेना है।
डुप्लीकेट करने के बाद वापस से हमारे पास दो लेयर हो जाएंगी ब्लैक कलर की, तो आपको इसे रोटेट करना है और ऊपर साइड में एक लगा देना है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव अभी लग रहा है। अगर किसी के सामने ये शॉर्ट वीडियो जाता है तो यहाँ पर वो ज़रूर रुकेगा ये एडिटिंग के लिए। तो यहाँ पर मैंने अभी अपना पूरा काम कर दिया है, बस मेरी जो ब्लैक कलर की शैडो है उसे मैं अपनी वीडियो की लेंथ कितना कर देता हूँ। तो यहाँ पर अभी हमारा लगभग सब काम हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है लेयर में, और लेयर में जाने के बाद हमारा जो टेक्स्ट होता है वो टेक्स्ट को ऐड करना है, क्योंकि जब भी हमारा ये शॉर्ट वीडियो किसी के सामने जाएगा तो हमारा टेक्स्ट देख के हमारी वीडियो पे रुक जाएगा। तो यहाँ पर हमने लगभग सारी कुछ सेटिंग कर दी, हमने अपना बैकग्राउंड भी ऐड कर दिया है, ब्लैक कलर की लेयर ऐड कर दी है। अब हमें यहाँ पर ऐड करना होगा एक टेक्स्ट। तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए आप पिक्सल लैब का भी यूज़ कर सकते हो, वहाँ से PNG में टेक्स्ट बना के यहाँ पर ऐड कर सकते हो, या आप जो काइनमास्टर से भी कर सकते हो। तो यहाँ पर अभी मैंने लिख दिया है प्लीज़ सब्सक्राइब, उसके बाद मैं बैकग्राउंड कलर में जाके कोई डार्क बैकग्राउंड ले लेता हूँ, ताकि कोई भी अगर मेरे यूज़र ये वीडियो को देखे तो उसके आँखों में अट्रैक्ट हो। तो यहाँ पर मैंने रेड कलर ले लिया है। उसके बाद आपको उसका अगर फॉन्ट चेंज करना है तो आप जो ऊपर जाके इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो। फिलहाल मुझे ये फॉन्ट ठीक लग रहा है, मैं इसी को रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं ऊपर जो इसको यहाँ पर लगा दूंगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्लीज़ सब्सक्राइब ऊपर लिख कर आ रहा है। अब जितने भी लोगों के सामने ये जाएगा, ये जो प्लीज़ सब्सक्राइब लिखा है वो अट्रैक्ट ज़रूर होगा, और वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा जब भी कोई शॉर्ट वीडियो देखता है तो शॉर्ट का नीचे जो है सब्सक्राइब का बटन आ जाता है, उसको चैनल पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो शॉर्ट देखते देखते वो आपके चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। अब मैं अगर आपको बताऊं कि ये किस तरह से बना है, तो आप लोग आपकी स्क्रीन पे देख सकते हो कि जब ये शॉर्ट फीचर में जाएगा तो ये किस तरह से दिखेगा। तो आप लोग खुद देख सकते हो कि कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा है। प्लस यहाँ पर मैंने जो टेक्स्ट ऐड किया है उस वजह से जो और अट्रैक्ट दे रहा है। तो आप भी अगर अपने चैनल पर शॉर्ट वीडियो अपलोड करो तो उसकी भी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ताकि यूज़र उस पर रुके, और जितना टाइम यूज़र रुकेगा उतनी उस वीडियो शॉर्ट वीडियो की जो है रीच को बढ़ेगी। अब यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट कर लेने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसे हमें सेकेंड स्टेप में एडिट कैसे करना है, यूट्यूब पर अपलोड कैसे करना है। तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं कि यहाँ पर हमने जो है अपने वीडियो को एडिट करना सीख लिया यूट्यूब शॉर्ट के। अब सेकंड स्टेप में आप सीखते हैं कि कैसे इसको जो यूट्यूब पर अपलोड करना है। तो यहाँ पर अभी हमारी सेकंड स्टेप स्टार्ट हो रही है। आपको अपना यूट्यूब ऐप ओपन करना है, नीचे जो प्लस वाला आइकन दिखता है आपको प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है। जैसे आप जो प्लस वाला आइकन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने जो तीन ऑप्शन आएंगे, पहला होगा अपलोड वीडियो, दूसरा होगा लाइव, और तीसरा होगा शॉर्ट, जो कि बहुत सारे लोगों को मिला नहीं होगा। तो यहाँ पर अभी मैं प्लस वाला आइकन पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे पहला ऑप्शन आ रहा है अपलोड वीडियो, दूसरा ऑप्शन आ रहा है क्रिएटर शॉर्ट। तो जिन लोगों को क्रिएटर शॉर्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है वो लोग जो नॉर्मल वीडियो अपलोड कर सकते हो अपलोड वीडियो में जाकर। पर बहुत सारे लोगों को अभी ये यूट्यूब शॉर्ट का फीचर मिल चुका होगा, तो आप लोगों को डायरेक्ट जो है शॉर्ट पे क्लिक करना है। शॉर्ट पे क्लिक करने के बाद आपका कैमरा ओपन हो जाएगा, तो डायरेक्ट आप जो है कैमरे से भी रिकॉर्ड कर सकते हो। बट मैं आपको सजेस्ट करता हूँ आप पहले से वीडियो बना लेना, उसे अच्छे से एडिट कर लेना, तो नीचे आपको अपलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। आप लोग अपलोड पर क्लिक करके अपनी गैलरी में से कोई भी वीडियो अपलोड कर सकते हो। अब जो हमने वीडियो काइनमास्टर में एक्सपोर्ट किया था उस वीडियो को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, और आप लोग यहाँ पर खुद देख सकते हो कि इसकी क्वालिटी कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। अगर किसी के सामने ये वीडियो जाएगा तो वो मेरे वीडियो को ज़रूर देखेगा। तो यहाँ पर ऊपर आपको ऑप्शन मिल जाएगा नेक्स्ट का। आप लोग अपनी शॉर्ट वीडियो को पहले एक बार फुल वॉच कर लेना, आप लोग देख लेना कि कहाँ कहाँ चेंजेस करने की ज़रूरत है। अभी मुझे तो नहीं लगता कि इस वीडियो में कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, मैं डायरेक्ट नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब हमें लिखना है टाइटल। अब बहुत सारे लोग जो है टाइटल में ही गलती कर देते, टाइटल में स्टार्टिंग में शॉर्ट लिख देते या पूरे टाइटल में हैशटैग लगा देते, तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। अभी जो मेरा वीडियो है जिसमें स्टेटस मैंने अपलोड किया है, उसमें जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने एक स्टेटस मतलब मोटिवेशन स्पीच दिए, तो मैं यहाँ पे टाइटल में भी वही सेम लिखूंगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डॉक्टर विवेक बिंद्रा मोटिवेशनल स्पीच। अब ये हमारा शॉर्ट वीडियो है, इसलिए हमें हैशटैग में शॉर्ट लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे टाइटल में लिख देता हूँ हैश शॉर्ट, और उसके बाद मैं टाइटल में एक और ऐसा कीवर्ड लूँगा, यानी कि एक और ऐसा हैशटैग लूँगा जो कि ज़्यादा सर्च होता हो। अब आप लोगों को पता होगा कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा से बहुत ज़्यादा सर्चेज आती है यूट्यूब पर, तो मैं सेम हैशटैग यहाँ पर लगा दूंगा, ताकि अगर कोई यूट्यूब पर सर्च करे डॉक्टर विवेक बिंद्रा तो कहीं ना कहीं शॉर्ट वीडियो में मेरी भी वीडियो दिखाई जाए, जिससे मेरे शॉर्ट वीडियो में और ज़्यादा व्यूज़ आए। अब हमने यहाँ पर टाइटल लिख दिया है। टाइटल लिखने के बाद सेम टाइटल आपको डिस्क्रिप्शन में भी कॉपी करके पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पे मैंने टाइटल लिख दिया है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में अभी छोड़ रहा हूँ, आपको डायरेक्ट आ जाना है टैग्स पे। तो टैग्स में आने के बाद भी आप कुछ टैग्स ऐड कर सकते हो। यहाँ पर सबसे पहले आपको ये सिलेक्ट ऑडियंस का जो ऑप्शन आ रहा है इसको जो आपको नो इट्स नॉट फॉर किड्स पे कर देना है। उसके बाद आपको ऊपर ऑप्शन मिल जाएगा अपलोड का, आपको जस्ट अपलोड पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे हमें ज़्यादा फीचर देखने को नहीं मिल रहे, जैसे कि टैग्स हम ऐड नहीं कर पा रहे, तो आपको डायरेक्ट ऐसे ही वीडियो अपलोड कर देना है। अब मैं आ जाऊँ तो अपने होम पे, और यहाँ पे आपको यूर वीडियोज़ में जाके बताता हूँ ये वीडियो यहाँ पर जो है अपलोड हो रही है। अब फिलहाल मैंने जो इस वीडियो को अनलिस्टेड रखा है, आप लोग भी वीडियो को अनलिस्टेड ही रखना। जब तक हमारा वीडियो पूरा प्रोसेसिंग नहीं हो जाता, जब तक हम सारे चेंजेस नहीं कर लेते, तब तक आपको अपना वीडियो जो है अनलिस्टेड में ही रखना है। अब मैंने यहाँ पर वीडियो को अनलिस्टेड में ही रखा है, जैसे ये पब्लिक हो जाएगा हम कुछ छोटे मोटे
टैग्स ऐड कर देंगे, 5 से 6 टैग्स ऐड करेंगे, उसके बाद इस वीडियो को पब्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर अभी मेरा वीडियो प्रोसेसिंग में जा रहा है। अब हमारा जब वीडियो प्रोसेसिंग में जाता है तो YouTube का जो AI सिस्टम है, यानी कि जो YouTube की मशीन है, वो हमारी वीडियो को चेक करती है कि हमने हमारी वीडियो में कोई कॉपीराइट वीडियो तो यूज़ नहीं किया है, या हमारा टाइटल क्या है, हमने हैशटैग क्या यूज़ किए, हमारी वीडियो को कौन से ऑडियंस के सामने दिखाना चाहिए, ये सारा जो है YouTube का AI सिस्टम प्रोसेसिंग के टाइम ही चेक करता है। यहाँ पर अभी मेरा वीडियो अपलोड हो चुका है, मैं एडिट में जाता हूँ और एडिट में जाकर इसके टैग्स ऐड कर देता हूँ। अब जब भी आप शॉर्ट वीडियो अपलोड करोगे, आपको ये दोनों चीज़ का ध्यान रखना है, आपको कुछ टैग्स लगाने हैं, फुल भर के टैग्स नहीं लगा देने, और आपको जो थंबनेल ऐड नहीं करना है, आपको अपने शॉर्ट वीडियो में, किसी भी शॉर्ट वीडियो में थंबनेल ऐड नहीं करना है, एज इट इज़ उसे जो है अपलोड कर देना है। अब यहाँ पर मुझे टैग वाला ऑप्शन आ रहा है, तो मैं टैग वाले सेक्शन में जाता हूँ, और जो भी टैग्स है जो कि सर्च हो सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा, डॉक्टर विवेक बिंद्रा मोटिवेशन स्पीच हैश शॉर्ट यूट्यूब शॉर्ट, इस तरह से 4 से 5 आप लोगों को जो है आपके वीडियो के रिलेटेड टैग्स ऐड कर देने। तो यहाँ पर मैंने कुछ टैग्स ऐड कर दिए, टैग्स ऐड करने के बाद मैं सेव पे क्लिक करूँगा, सेव पे क्लिक करने के बाद इस वीडियो को कर दूँगा पब्लिक अपने YT स्टूडियो ऐप से। अब पब्लिक करने के बाद धीरे धीरे इस पे व्यूज़ आना स्टार्ट हो जाएंगे। आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है, YouTube शॉर्ट में जब भी हमारा वीडियो जाता है तो हम जैसे ही अपलोड कर देंगे उसके बाद तुरंत हमारा वीडियो YouTube शॉर्ट में नहीं जाता है, उसको भी कुछ टाइम लगता है। और अगर 2 से 3 दिन के बाद भी अगर आपके वीडियो पे YouTube शॉर्ट से ट्रैफिक नहीं आ रहा है, तो आपको अपने YouTube वीडियो का जो है टाइटल को चेंज करना है। इसके ऊपर मैंने पूरा प्रॉपर वीडियो बना रखा है, आप लोग जो है जाके उस वीडियो को देख सकते हो। और YouTube शॉर्ट के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो है, सभी के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और आप लोगों ने वीडियो के स्टार्टिंग में प्रूफ भी देख लिया है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर से प्रेस कर लेना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।